इसमें कोई दो मत नहीं है कि बिहार में सबसे पढ़े लिखे या हर मामले में सर आप हैं, आपके नहीं सर वेलकम करते हैं अपनी तरफ सर। एक सवाल देखिए वाले सर, काफ़ी सवाल इन लोगों ने किया है, हमारा एक सवाल है सर, एक बड़ी उम्मीद है लोगों का कि जो डोरीगंज सड़क सर उस पर कब तक तैयार करेंगे? उस पर तो बहुत कड़ा कार्रवाई किया जा रहा है डोरीगंज वाला एकदम। जो लोग इसको टाले हुए हैं 2014-2015, देखिए उसमें 400 करोड़ रुपए का स्वीकृति आ गया है, शीतल पट्टी का पुल चालू हो गया है, आमी का इस हफ्ते चालू होना चाहिए, वैसे वो लोग झूठ बोलते हैं, चुनाव के पहले उन्होंने कहा था 6 महीना पहले, उस पर तो कार्रवाई होगा ही, और टिकनिवास वाला टूटा हुआ भी होगा। तो पुराना योजना को चला के जिंदा रखना कठिन है। मैं उन लोगों के साथ हूँ जो ये विषय उठा रहे हैं, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं, एक ही योजना है जो 2008 से है, 2008 में हम थे नहीं, हम 2014 से आए हैं, और मरीज को इन लोगों ने ICU में भर्ती कर दिया था और कहा कि अब ठीक करो, तो उसको ठीक करते करते हम यहाँ तक पहुँचे हैं सर। दूसरा एक सवाल अंतिम सर, कि हनुमान जी का नगरी जो ननिहाल है, यहाँ सर अभी आप जा रहे हैं आप ना, तो हम जयप्रकाश जी के धरती पर जा रहे हैं सर। एक मिनट सर, एक मेरा क्वेश्चन ये सर कि रेविलगंज को अगर अंग्रेजों के नाम पर है और अगर उसी को अगर गौतम स्थान रेलवे स्टेशन का नाम बदल गया आप लोगों ने, तो उस रेविलगंज को बदल के अगर सर हनुमान जी का अगर नाम पर या सर किया जाए तो आप प्रॉमिस कीजिए सर। प्रॉमिस तो नहीं होता है राजनीति में, कम से कम नाम मत करो, तो हम नहीं कर सकते, सरकार का निर्णय होगा, हमारा काम है प्रतिनिधि। आपका प्रस्ताव बहुत अच्छा है, हम रखेंगे प्रॉमिस, तो ये सब बड़ा नेता लोग सर। कभी 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 रोहिणी जी क्या इतनी आपक हो गई थी आपके बारे में कमेंट कर दिया था सर? छोटी बच्ची है, बेटी है, धूप बहुत कड़ा है, और उनके विधायक AC में अंदर बैठे बेचारी बाहर खड़ी रहती है, तो गुस्सा नहीं होंगी क्या? और उसमें अगर हम पर गुस्सा होगी तो क्या गलत कर रही है, होता है सब। अच्छा, प्रथम चरण जो चुनाव हुआ थे 4 जगह सर, वोटर कमी वहाँ भाजपा बहुमत के साथ जीत रही है। धन्यवाद, थैंक यू सर।